अरे 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 रुको 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 नहीं, नहीं। थोड़ा प्रोटेक्शन ले लेते हैं। अभी फिर से वापस चलो। मैं तो थक गया यार, इतना जोर से कोई गाड़ी चलाता है। एक चीज आप लोगों को याद है, स्पाइडरमैन बोल के जो मूवी निकला था वहां पर एक बहुत ही बढ़िया डायलॉग था जो मैं अभी भी फॉलो करता हूँ, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। जी हाँ, तो अगर आपके पास ये वाला फोन रहता है तो जरूर खुद गेम मत खेलिए, सबको थोड़ा मिल बांट के खेलिए। जोक्स अपार्ट गाइस, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित, आप देख रहे हैं डेटा डॉग। आज इस वीडियो में हम लोग करने वाले गेमिंग रिव्यू ऑफ रियलमी 2 प्रो। सो दैट बीइंग सेड, लेट्स गेट स्टार्टेड। Realme 2 Pro कल लॉन्च हुआ इंडिया में और काफी अट्रैक्टिव प्राइस पॉइंट में लॉन्च हुआ। 14,000 में आपको मिल जाएगा 4GB 64GB और उसके बाद आपका अलग अलग वेरिएंट्स अवेलेबल। मुझे लगता है 14,000 रुपीज में ये जो प्रोडक्ट आया है विच इज वेरी मच वैल्यू फॉर मनी, नो डाउट अबाउट दैट। इन टर्म्स ऑफ द प्रोसेसर, यहाँ पर आपको मिलता है स्नैपड्रैगन 660 प्रोसेसर विच इज ऑक्टाकोर प्रोसेसर, उसके साथ आपको मिलता है AI इंजन और भी बहुत सारा इंजन, और उसके साथ आपको दिया गया Adreno 512 GPU। इन टर्म्स ऑफ द रैम और मेरे पास जो वेरियंट है विच इज 4GB रैम 64GB ऑनबोर्ड स्टोरेज, जहां पर आपको डेडिकेटेड माइक्रो एसडी कार्ड स्लॉट मिलता है, 128GB एसडी कार्ड विच वर्क्स प्रीटी फाइन विदाउट हैविंग एनी इश्यू। इन टर्म्स ऑफ द बैटरी, यू विल गेट अ 3500 mAh बैटरी, एंड्रॉइड ओरियो, कलर ओएस 5.2 एंड impressive dew drop full HD display. So let's start with one of my favorite racing game right now after Asphalt 8 which is Asphalt 9. So let's hear it. मैं आज कुछ नहीं बोलूंगा, आप साउंड के साथ देखो आज गेमिंग रिव्यू, पता नहीं कॉपीराइट आएगा कि नहीं, आई डोंट नो। गेमिंग परफॉर्मेंस ऑफ दिस डिवाइस इज सिंपली आउटस्टैंडिंग, स्पेशली ये लंबा चौड़ा डिस्प्ले विद 19:9 एस्पेक्ट रेशियो में खेलने में इसका मजा ही अलग है। Asphalt 9 मैंने फुल ग्राफिक्स में खेला एंड इट वर्क्स प्रीटी फाइन। साउंड का जो मामला में, साउंड बहुत लाउड है इसका। जी हाँ, सिंगल बॉटम फायरिंग स्पीकर है लेकिन साउंड बहुत लाउड है। लेकिन दिक्कत क्या है, खेलने के टाइम में अगर साइड में, जैसे साइड में आपको बॉटम फायरिंग स्पीकर है तो आप जो पकड़ेंगे साइड ही हो जाएगा, तब वो साउंड बार बार दब जा रहा है और कुछ इस प्रकार से लगता है। तो ये वाला एक दिक्कत मुझे लगा, आइदर दैट आई थिंक ओवरऑल साउंड परफॉर्मेंस भी इसका काफी बढ़िया है, और फॉर द टाइमिंग ये गेम मैंने लगभग 10 मिनट के आसपास खेला, वैसा कुछ हीटिंग इशू अभी तक नजर में नहीं आया। चलिए और एक गेम खेलते हैं, इसका जो छोटा भैया विच इज Asphalt 8, जो आई थिंक इसका लॉन्च इवेंट में भी दिखाया गया था Asphalt 8। तो चलिए देखते हैं Asphalt 8 इस डिवाइस में कैसे चलता है। उससे पहले मैं बता दूं, ये भी मैंने हाई ग्राफिक में सेट किया है, एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। Asphalt 8 is also working pretty fine, लेकिन मेरा अगर ऑब्जर्वेशन देखा जाए, एक्चुअली Asphalt 9 जितना स्मूथली चला था, Asphalt 8 आई थिंक उतना स्मूथ मुझे नहीं लगा, बट डेफिनेटली इट्स लाइक अप्रोक्सीमेटली 80% आपको परफॉर्मेंस दे देता है, लेकिन Asphalt 9 में मुझे लगता है 100% परफॉर्मेंस मिला था। आई डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड, बट स्टिल मैं और भी टेस्ट करूंगा। बट एक्चुअली मैं 3-4 दिन से ऑलरेडी ये गेम खेल रहा हूँ, बट Asphalt 9 जितना अच्छा चला, Asphalt 8 में मुझे थोड़ा डाउन लगा, बट एज आई सेड इट्स 80-85% आप एंजॉय कर पाएंगे गेम को। इसके अलावा मैंने और भी बहुत सारा गेम खेला, लाइक रियल रेसिंग थी COC तो मैं हमेशा खेलता रहता हूँ, और उसके साथ साथ स्काई फोर्स 2 ये भी मैं खेलता हूँ, डेड ट्रिगर मैंने खेला है, तो इतना सारा गेम का तो दिखा के फायदा नहीं है, बट ऑल दोस गेम्स वर्क्स प्रीटी फाइन। लेकिन फाइनली मैंने जो गेम खेला, जो मैं सबसे ज्यादा खेला गेमिंग रिव्यू में, नियर अबाउट 45-50 मिनट्स मैं पबजी खेला, मैं जिंदगी में नहीं खेला, एक्चुअली पबजी खेलना मुझे उतना अच्छे से आता नहीं है, बट फिर भी मैं अभी खेलना ट्राई किया हूँ क्योंकि पबजी का इतना ज्यादा क्रेज है,
एंड जब मैंने गेम स्टार्ट किया ये एक्चुअली मीडियम ग्राफिक्स में स्टार्ट हुआ। इवन मैंने नोकिया 7 प्लस में भी देखा था ये मीडियम ग्राफिक्स में चला था, विच इज ऑल्सो रनिंग ऑन स्नैपड्रैगन 660, तो हाई ग्राफिक्स में नहीं चला था। तो स्टार्ट विद द मीडियम ग्राफिक्स, इनिशियली 2 फ्रेम ड्रॉप्स और 1 लैग मैंने नोटिस किया जब वो मतलब इधर उधर दौड़ता है हम लोग कपड़े जुगाड़ने के लिए, उसके बाद तो प्लेन में चढ़ते हैं। तो उस टाइम में जनरली मैंने मुझे मिला एक्चुअली 2 लैग था, 1 फ्रेम ड्रॉप था, या फिर 1 फ्रेम फ्रीजिंग था, ऐसा ही कुछ, या 2 फ्रेम ड्रॉप था, 1 लैग था, मतलब थोड़ा बहुत मैंने फ्रीज हो गया था। उसके बाद से गेम स्मूथली चला बहुत बढ़िया, और मैं साउंड नहीं सुना सकता एक्चुअली। लकीली क्या है ना, मुझे जो 2 बंदा मिला शायद बिहार का या फिर कहीं पर होगा, खाली गाली दे रहा है, और एक बंदा पता नहीं साउथ इंडिया का, वो क्या लैंग्वेज में बात कर रहा है मुझे आधा कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और मैं भी पहले बार मैंने खेला, मतलब उतना ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, तो बहुत फन था इनफैक्ट वो गेम प्ले। मतलब मैं कंटिन्यूसली खेले जा रहा था और 40-45 मिनट्स तक खेला। जहां तक बैटरी परसेंटेज का सवाल है, अप्रोक्सीमेटली मैंने 1.5 घंटे के आसपास पूरा गेमिंग रिव्यू कंप्लीट किया, 1.5 से 2 घंटा होगा। और विद इन दैट टाइम पीरियड मैं मोस्टली एसी कंडीशन में था एक्चुअली घर के अंदर, और उस टाइम पे बैटरी परसेंटेज अप्रोक्सीमेटली 30% के आसपास, 25-30% हाँ ऐसे ही आपका कुछ डिप हुआ। अगर देखो 3500 mAh का बैटरी है तो बैटरी परफॉर्मेंस 5000 mAh का जैसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, बट विच इज क्वाइट डिसेंट एक्चुअली बैटरी परफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ द हीटिंग इशू। कैमरा की जगह पर हल्का फुल्का गर्मी मुझे नजर में आया, लेकिन उतना ज्यादा भी गर्मी नहीं था, अप्रॉक्सिमेटली 38-39 डिग्री के आसपास होगा, उससे ज्यादा होना नहीं चाहिए। तो ओवरऑल अगर मेरा एक्सपीरियंस देखा जाए विद द Realme 2 Pro, इट्स अ बीस्ट फॉर गेमिंग। अगर आप गेमिंग लवर है, अगर आपके पास अंडर 15,000 rupees का बजट है, आग बंद करके ये डिवाइस ले लो। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इसका साउंड, इसका टच रिस्पॉन्स, इसका प्रोसेसिंग स्पीड, खाली यही नहीं इसका जो स्क्रीन है जो देखने में बहुत बढ़िया लगता है। अगर आप सीओसी खेलते हैं, सीओसी खेलने में आपको बहुत बढ़िया लगेगा, बहुत बड़ा स्क्रीन हो जाएगा, देखने में काफी अच्छा लगता है। और एक चीज मैं बताना मिस कर गया, यहाँ पर आपको मिलता है गेम एक्सेलरेशन का प्रोसेस, या फिर गेम स्पेस एक्चुअली बोला जाता है। अगर आप उसको एनेबल करके खेलते हैं तब एक्चुअली ग्राफिक्स को इनहेंस कर देता है, एक्सेलरेट कर देता है, उसके साथ साथ गेमिंग परफॉर्मेंस जो GPU है उसको भी एक्सेलरेट किया जाता है। और बाकी अगर अचानक से कोई नोटिफिकेशन ना आए या फिर शॉर्ट नोटिफिकेशन, ये सभी फीचर्स उसमें डाला गया है, तो उसमें क्या होता है आपका जो गेमिंग एक्सपीरियंस है विदाउट इंटरप्शन आप गेम खेल सकते हैं। तो अगर जैसे मैंने बता रहा था, आई थिंक ओवरऑल गेमिंग परफॉर्मेंस इज सिंपली आउटस्टैंडिंग। अगर आपके पास प्लेस्टेशन नहीं है, खरीदने का पैसा नहीं है, जैसे मेरे पास नहीं है, आराम से ये वाला फोन खरीद लो, सब गेम इंजॉय कर पाओगे एंड विच वर्क्स प्रीटी फाइन। खाली यही नहीं, यहाँ पर आपको मल्टी स्क्रीन का ऑप्शन मिलता है, शेयर योर स्क्रीन विद योर टीवी, बड़ा स्क्रीन में देखो, बड़ा स्क्रीन में खेलो, बहुत बढ़िया लगेगा। और गाइस अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, उसके साथ साथ यू कैन फॉलो मी ऑन ट्विटर आल्सो, यू कैन फाइंड मी ऑन फेसबुक आल्सो एंड डेफिनेटली इंस्टाग्राम, मुझे इंस्टाग्राम से डैड ऑफ 15, बहुत कम फॉलोअर्स है यार, थोड़ा बहुत फॉलो कर लो यार, क्या करो, सब्सक्राइब कर लिया ना, पता नहीं क्या। जो भी है इस वीडियो में अभी तक लेते हैं, दिस इज योर होस्ट मी साइनिंग ऑफ फ्रॉम डैड ऑफ होप, टू सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, बाय।